ये जो रेसिपी है हर सिंधी के घर में जरूर बनती है, मेरी भी फेवरेट है। कौन सी रेसिपी है? नाम है सिंधी कढ़ी। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें काफ़ी लोग तो बनाते हैं सिर्फ बेसन से, बेसन डालकर उसको गाढ़ा करते हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो तूर की ये जो दाल है उससे इसको बनाते हैं और दोनों चीज़ें मिलाकर। अगर तूर दाल आपने डालनी है तो आप इसको भिगोकर फिर पकाएं, प्रेशर कुक कर लें थोड़ा टमाटर के साथ में, जी हाँ। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ बेसन से भी इसको बनाया जा सकता है और जल्दी बनती है, तो काम जल्दी वाले ही करने चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, ये एक पैन के अंदर तेल ले लेते हैं, और मैंने कहा कि काम जल्दी होना चाहिए तो एक दूसरे पैन में भी तेल ले लेता हूँ, वो किस लिए मैं आपको बताता हूँ। और अब इसके अंदर क्या डालना है, अब इसमें हम डालते हैं कुछ फ्लेवर, ये है जीरा और उसके साथ मेथी दाना, यदि आप चाहें तो इसमें डालें चुटकी भर हींग। ये लीजिए, ये हो गया अच्छी तरह से लाल। अब इसमें हम डालते हैं ये बेसन, और बेसन को हमने भूनना है। और ये दूसरे पैन में मैंने क्यों ये तेल गरम किया है वो भी आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि सिंधी कढ़ी में एक जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि उसमें भिंडी डाली जाती है, तो ये भिंडी जो है उसे थोड़ा हम फ्राई कर देते हैं। ये लीजिए, और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस पानी। चलिए, पानी डालने के बाद ये जो बेसन है ये काफी गाढ़ा हो गया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। भिंडी जो है ये भी काफी तैयार है। एक काम करता हूँ, हरी मिर्च चाहिए तो इसमें डालूं या इसमें डालूं, क्या फर्क पड़ेगा, पहले इसमें डाल देता हूँ। और उसके साथ साथ ये जो बीन्स है ये भी थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें भी डाला जा सकता था। यहाँ पर ये जो तूर दाल पकी हुई है टमाटर के साथ, जैसे प्रेशर कुक किया है उसके बाद मैश किया है, ये तैयार है तो इसको भी थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि अगर तैयार है तो क्यों ना डालें। वैसे अगर आपके पास समय ना हो तो आप सिर्फ बेसन से भी इस कढ़ी को बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ये डाल दिया इसके अंदर हमने तूर दाल को। नमक डालते हैं इसमें, नमक स्वादानुसार, और ये आ गया नमक, और इसके साथ में लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, आजकल तो बाजार में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो आप इमली लेकर गर्म पानी में कुछ देर सोख करके रखें फिर उसका गूदा निकाल कर इसके अंदर डालें। ये इमली, और अब इसके अंदर ये डाल दी इमली। ये लीजिए, देखिए इमली डालते ही इसका जो रंग है वो कैसा हो गया, काफी गाढ़ा रंग हो गया। अब तो लीजिए, ये सारी सब्जियां इसके अंदर हमने डाल दी, भिंडी और बीन्स और हरी मिर्च। कढ़ी जैसी दिखने में लग रही है, बढ़िया लग रही है। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा तड़का लगाते हैं। ये तेल, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल गर्म हो चुका है। तो ये करी पत्ते और जीरा, ये इसके अंदर, ये तो हो गई सिंधी कढ़ी।